सांप के काटने से 45 वर्षीय व्यक्ति की हुई मौत। उत्तर प्रदेश जिला मिर्जापुर थाना क्षेत्र लालगंज बेलन बरौंदा ग्राम निबावल 45 वर्षीय व्यक्ति शिव प्रसाद कल रात 9 बजे के करीब घर में बैठा था, तभी सांप ने आकर डंक मार दिया। घर के परिवार वालों को जब मालूम हुआ, दवा के लिए करणपुर गए। वैद्य के घर पहुंचने से पहले ही शिव प्रसाद की मौत हो गई थी। इनका परिवार बहुत ही गरीब है। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन है कि इस गरीब परिवार की सहायता की जाए। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए मिर्जापुर से सूर्य प्रकाश की खास रिपोर्ट। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज से मैं सूर्य प्रकाश की खास रिपोर्ट। इससे मिर्जापुर थाना क्षेत्र लालगंज बेलन बरौंदा निबावल गांव में आए हैं। कुछ घटना स्थल है, पूछना चाहते हैं क्या घटना है, इसके बारे में बता सकते हैं आप, कैसे घटना हुई? हाँ बताइए। 8:30 बजे का टाइम था जी। 9 बजे का टाइम था, रात की टाइम था, रात का जी। सांप डस लिया और रास्ते में लेकर दौड़े और बच नहीं पाए, ध्यान तो हो गया। कहाँ लेकर के गए आप? गए करणपुर। करणपुर दवा पिलाने गए थे जी। और कहीं दिखाए थे आप? नहीं। और अस्पताल वगैरह नहीं दिखाए आप? नहीं। सांप की शिकायत थी जी। जी, और ये बताए लड़के कितने हैं? लड़के 5 लड़की हैं या 2 लड़के हैं? 5 लड़की हैं, 2 लड़के हैं। अच्छा, बहुत गरीबी स्थिति है। अच्छा, बहुत गरीबी स्थिति है, ठीक है। सर आपका नाम क्या है? रामचंद्र है। रामचंद्र है, रामचंद्र कोल जी। चलिए हम आगे चलते हैं, पूछना चाहते हैं भाई साहब, बताइए कैसे घटना हुई? 9 बजे रात को हुई है जी। जी, ये सांप काटने से हुई है जी। जी जी, यहाँ से ले जा रहे थे, रास्ते में हुई है जी। इनके 5 लड़की हैं, 2 लड़के हैं जी। बहुत गरीब हालत है जी। ये बताए सर, सांप ही काटा है? सांप ही काटा है। अच्छा, घटना है 9 बजे की है? 9 बजे रात की जी। सर आपके नाम क्या है? हमारा नाम विपिन तिवारी है। विपिन तिवारी, चलिए हम आपकी जानकारी लेना चाहते हैं। 9 बजे रात। हाँ, आपको क्या लगते हैं? हमारा गांव के मनाते हैं बुब्बा लगते हैं। बुब्बा लगते हैं जी। आप लोग यहाँ भी थे? नहीं, हम लोग तो यहाँ पे नहीं थे। अच्छा, ये बताइए सांप कहाँ पे काटा? तेज बोला, यहीं पे, घर पे काटा। घर पे काटा, घर पे ही काटा कि और कहीं काटा? घर पे काटा। घर पे ही काटा। आपका नाम क्या है? सुरेश कुमार। सुरेश कुमार, चले ठीक है, हम आगे जानकारी लेना चाहते हैं, बताइए आप। कल सुबह काम में गए थे जी। जी, लेकिन उसके बाद आए हैं शाम को, अपना खाना वाना खाने के बाद इनको अचानक पता नहीं क्या हुआ। जी जी जी, सांप जमीन में भाई देखे भी नहीं है जी। जी, लेकिन उनके बताने के हिसाब से लगता है कि सांप उनको छुआ है जी। 9 बजे 10 बजे के आसपास जी। जी, उसके बाद इनकी डेथ हो गई जी। तो एक कहाँ पे काटा सांप? घर पे ही। घर पे ही काटा, घर में ही काटा कि घर के आस ही पास में? घर में ही है। घर में था जी। अच्छा, तो आप लोग कहाँ लेकर के गए? बरौंदा गए, करणपुर गए। बरौंदा कहाँ लेकर के गए? इस हॉस्पिटल में। किसी ने दिखाया डायरेक्ट करणपुर, राम जी आवन को। राम जी आवन, राम जी आवन वैद्य के यहाँ जी। जी, और करणपुर भी दिखाए आप जी। अस्पताल महानारायण के भी पास गए थे आप जी। ठीक है, आप सर आपका नाम क्या है? नीरज सिंह। नीरज सिंह, ठीक है, यहीं के रहने वाले हुआ? गांव कौन है? ग्राम निबावल। ग्राम निबावल है। चलिए ठीक है, प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज से मैं सूर्य प्रकाश की खास रिपोर्ट, कैमरामैन श्रीकांत के साथ में।